ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि इस कार्तिक महीने में हमें श्री राधा दामोदर ये राधा कृष्ण की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यहां श्रीमती राधा रानी विशेष रूप से आराध्य हैं इस महीने में। तो ये महीना श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस महीने में हमें ये दामोदर अष्टकम प्रार्थना स्तोत्र अवश्य गाना चाहिए हर दिन। और ये वास्तव में पद्म पुराण से है और जैसे हम उस दिन कह रहे थे सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित, जबकि वो नारद मुनि और शौनक ऋषि से चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दामोदर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला ये दीपावली के दिन हुई थी और ठीक कई साल बाद उसी तिथि पर, बल्कि एक दिन का अंतर है, गोवर्धन पूजा हुई। फिर बाद में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। दामोदर भगवान का नाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि माता यशोदा ने दाम से अर्थात रस्सी से श्री कृष्ण के उदर को अर्थात पेट को बांध दिया था। शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंध में करते हैं, जिससे बहुत सूक्ष्म बातें भक्ति के बारे में ज्ञात होती हैं। विशेष करके वृंदावन में जो ब्रजवासी भक्त भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की, वो भक्ति अतुलनीय है और कहीं इस तरह की भक्ति नहीं पाई जाती। जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह यहां पर इस भौतिक संसार में तरह तरह के संबंध होते हैं, जैसे मित्रों के बीच संबंध, दास और स्वामी के प्रति संबंध, पति पत्नी का संबंध इत्यादि, तो उसी प्रकार से भगवान के धाम में भी भगवान के साथ
भक्तों के ऐसे संबंध हो सकते हैं और होते हैं, और ये संबंध सबसे निकट और सबसे तीव्र होते हैं वृंदावन धाम में। तो वात्सल्य का जो संबंध है वो इस दामोदर लीला से प्रकट होता है। माता यशोदा जैसी कोई शायद नहीं, निश्चित ही कोई वात्सल्य भाव में भक्त नहीं है। यशोदा माता और नंद बाबा का स्थान बहुत विशेष है, परंतु यशोदा माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे थे कुमार अवस्था में, तो माता यशोदा कुछ घर के काम में व्यस्त थीं और वास्तव में वो दही का मंथन कर रही थीं। वो चिंतित थीं कि श्री कृष्ण जगह जगह जाके दही चोरी कर लेता है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट दही मक्खन आदि कृष्ण के लिए यही बनाऊं। नंद महाराज के पास 900,000 गाय थे, उनमें से थोड़े गिने चुने गाय जो सबसे अच्छे थे, सबसे दुधारू थे, सबसे मीठे दूध देने वाली थी, उन गायों को माता यशोदा ने चुना और उन गायों को वो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक घास खिलाया करते थे, और फिर उन गायों के दूध से वो मक्खन आदि बनाकर श्री कृष्ण को खिलाते थे। तो एक बार माता यशोदा अपने घर में बैठ के दही का मंथन कर रही थी, और जिस प्रकार से वो बैठकर मंथन कर रही थी, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं माता यशोदा का, और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहता है वात्सल्य भाव में, श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ के, तो उनको माता यशोदा के लक्षणों को ठीक से जान लेना चाहिए। माता यशोदा कैसी दिखती थी, वो किस तरह सेवा करती थी, कैसे कपड़े पहने थे। लेकिन एक चेतावनी प्रभुपाद जी देते हैं कि यदि कोई ऐसे वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहे अवश्य करे, और माता यशोदा के पद चिन्हों में चले। माता यशोदा कैसे सेवा करती हैं, वो कैसे दिखती हैं, ये अच्छी तरह से जान ले, परंतु माता यशोदा बनने का प्रयास न करें, न इच्छा भी करें, क्योंकि ये संभव नहीं है। माता तो एक ही है भगवान की, माता यशोदा। लेकिन माता यशोदा के चरण चिन्हों में चल के उसी भाव में हम श्री कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का पथ कितना सुंदर है। आप क्या चाहते हैं? आप श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानना चाहते हैं? ठीक है, कृष्ण भक्ति कीजिए। आप श्री कृष्ण को आपका मित्र बनाना चाहते हैं? ठीक है, वैसे भी संभव है। तरह तरह के संबंध श्री कृष्ण के साथ संभव है, बल्कि यहां इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध पाए जाते हैं वो मूल रूप से भगवान के धाम में जो पवित्र संबंध होते हैं उनके विकृत रूप हैं। तो माता यशोदा जब दही मंथन कर रही थी तो गीत गा रही थी। ये एक प्रथा थी, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वृंदावन में, कि जब श्री कृष्ण कोई लीला करते तो कविता के रूप में उस लीला का वर्णन हो जाता था, और फिर सारे ब्रजवासी उस लीला का वर्णन कविता के रूप में करते थे। तो माता यशोदा ऐसे गीत गाते गाते दही मंथन कर रही थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि वृंदावन का जीवन कैसे था। आजकल तो बस मिक्सर ग्राइंडर, ये मशीन वो मशीन चला दिया, काम चला लेते हैं, परंतु कैसे वैदिक काल में इतने अच्छे अच्छे तरीकों से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ भी रखा करते थे, और स्वाद जो बनता था ऐसे रसोई से वो भी निराला हुआ करता था। तो माता यशोदा ऐसे सोच रही थी, उनका ध्यान शत प्रतिशत कृष्ण के ऊपर था। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते माता यशोदा पूरी तरह से कृष्णमय थी,
पूरी तरह से तन्मय रहती थी कृष्ण के विचार में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आदर्श है भक्ति का, कि कैसे किसी भी भक्त को पूरी तरह से तन्मयता अपने हृदय में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे माता यशोदा बड़े आनंद से कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण के लिए ही दही आदि बना रही थी, और कृष्ण वहां उधर दूसरे कमरे में सोए हुए थे, नींद से श्री कृष्ण जागे और सीधे चले आए अपनी माता के पास, क्योंकि उनको भूख लगी थी और वो दूध पीना चाहते थे। तो सीधे आके उन्होंने मंथन करते समय माता यशोदा को रोक दिया, उस दंड को पकड़ लिया, ताकि माता यशोदा मंथन करना बंद करे और कृष्ण को दूध पिलाए। तो माता यशोदा इस इशारे से समझ गई कि श्री कृष्ण दूध पान करना चाहते हैं। तो तुरंत उन्होंने मंथन करना बंद किया और श्री कृष्ण को दूध पिलाना आरंभ किया। थोड़े ही समय बाद माता यशोदा ने देखा कि जो चूल्हे के ऊपर दूध उबलने के लिए रखा है वो पूरी तरह से उबल गया है और चूल्हे से निकालने की आवश्यकता है। तो तुरंत माता यशोदा ने बिना हिचकिचाए श्री कृष्ण को नीचे रख दिया और चूल्हे के पास चली गई। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो अनेक बार हमारे सामने कई सेवाएं आती हैं और हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी सेवा हमें करनी चाहिए। एक सेवा करनी है तो दूसरी नहीं कर सकते, दूसरी करनी है तो तीसरा नहीं कर सकते। हम सबको अनुभव है, हमारे पास समय तो केवल 24 घंटे का होता है, लेकिन सेवाएं अनेक होती हैं। भगवान की भक्ति में क्या, साधारण जीवन में, भौतिक जीवन में भी ऐसे देखा जाता है। तो कोई भक्त यदि पूछे कि हमें कैसे पता चले कि श्री कृष्ण की सेवा हमें कैसी करनी चाहिए, कौन सी सेवा किस समय करनी चाहिए, किस सेवा को त्याग कर किस सेवा को स्वीकार करना चाहिए, हाँ एक तो है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त माता यशोदा की तरह होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, उनको भगवान अंतःकरण से ही मार्गदर्शन देते हैं कि वो किस तरह की सेवा किस समय कृष्ण के लिए करें। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरी सेवा में युक्त रहते हैं प्रेम भावना से, मैं अंदर ही से उनको रास्ता बता देता हूं, उनको ज्ञान दे देता हूं कि किस तरह से वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो माता यशोदा ने हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो यदि चूल्हे के पास जा रही थी तो कृष्ण के लिए ही जा रही थी, उनका उद्देश्य कुछ दूसरा नहीं था। जो भी कुछ माता यशोदा करती वो श्री कृष्ण के लिए ही केवल हुआ करता था, इसलिए माता यशोदा का हर कार्य कृष्णमय था। तो एक सेवा छोड़ के यदि दूसरी सेवा करने जा रही थी माता यशोदा, तो इसमें माता यशोदा का कोई दोष नहीं था, और यह भी श्री कृष्ण के प्रेरणा से ही हुआ कि ठीक उसी समय दूध उबल गया, उसके पहले ठीक उसी समय कृष्ण वहां पर आए माता यशोदा के पास, और माता यशोदा को अंदर से ही प्रेरित किया कि मुझे छोड़ो और वहां जाओ ताकि मैं गुस्सा हो जाऊं और आगे चल के एक बहुत सुंदर लीला हो जाए। तो ये सब भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। तो माता यशोदा जब वहां रसोई घर में चली गई तो श्री कृष्ण को क्रोध आया, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने आंखों में से झूठे झूठे आंसू निकाले। बच्चे कभी कभी ऐसे करते हैं, जब वो कुछ चीज पाना चाहते हैं और नहीं पाते हैं तो झूठे झूठे आंसू बहाते हैं। तो श्री कृष्ण भी ऐसे करने लगे और बड़े क्रोध से अपने होठों को दांतों से दबाने लगे, बताने के लिए मैं कितना गुस्सा हो गया हूं। और फिर उन्होंने देखा कि माता तो मुझे छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे कर सकती है मेरी मां, मेरी भूख तो मिटी नहीं। तो उन्होंने देखा कि पास में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर को लिया
और उस मिट्टी के मटके को जिसमें दही मंथन कर रही थी माता यशोदा, उसको फोड़ दिया और फोड़ के फिर दही मक्खन आदि सब लिया, उसको आराम से खाने लगे और फिर उसको लेकर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो जान गए कि अब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अब माता यश मेरी माता आएगी तो अब मेरे लिए कष्ट हो जाएगा, तो जल्दी से वहां से निकल पड़े। उधर माता यशोदा वापस लौट के आई कि चलो श्री कृष्ण को फिर से दूध पिलाएं, तो देखा कि कृष्ण तो है नहीं, बल्कि कमरे में क्या है, मटका टूटा हुआ पड़ा है और मक्खन दही आदि सब बिखरा हुआ है। तो माता यशोदा ने सोचा कि यहां मटका टूटा हुआ है और श्री कृष्ण कमरे में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये काम किसने किया है, श्री कृष्ण ने किया है। तो उनको थोड़ी हंसी तो आ गई, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं, अब श्री कृष्ण को यदि हम अच्छे उपदेश नहीं देंगे, सही तरह से सिखाएंगे नहीं, तो ऐसे हरकत ये करता रहेगा। तो अपने हाथ में छड़ी ली और इधर उधर घूमने लगी श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो जब एक जगह गई, एक कमरे में देखा कि श्री कृष्ण खड़े हैं एक ऊखल के ऊपर, ऊखल को उल्टा किया हुआ था और उसके ऊपर चढ़ गए थे कृष्ण, और वहां पे आराम से दही मक्खन आदि खा रहे थे और बंदरों को बांट रहे थे। ढेर सारे बंदर वहां इकट्ठे हुए थे और सब बड़े आनंद से श्री कृष्ण के चरण कमलों से दही और मक्खन खा रहे थे। तो माता यशोदा ने देखा, अच्छा तो कृष्ण ऐसे काम कर रहा है, धीरे से वहां पर वो चली आई। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ऊखल पर चढ़ के जब दही आदि का वितरण कर रहे थे तो बड़े चिंतित थे कि कहीं माता यशोदा बीच में न आए, और इधर उधर भयभीत अवस्था में पीछे इधर उधर देख रहे थे कि कहां से मेरी मां तो चली ना आए अचानक और मुझे पकड़ ले। तो बड़े भयभीत होकर जब वो देख रहे थे तो माता यशोदा वहां पर आई और अपनी मां को देखकर तुरंत वो ऊखल से नीचे कूद पड़े और कूद के भागने लगे भयभीत अवस्था में। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि वो भगवान जो जिनसे सभी भयभीत होते हैं, वो भगवान आज माता यशोदा से भयभीत होकर भाग रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी काफी विस्तार में बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण तो मूल रूप से भगवान हैं, और भगवान किसी से डरे ये कैसे समझा जा सकता है, जब सभी भगवान से डरते हैं और भगवान के डर से ही सारे लोग काम करते हैं, तो भगवान किसी से डरे ये कैसे हो सकता है। तो ये है चमत्कार प्रेम का, भक्ति का। भगवान का एक बहुत ही सुंदर गुण है जिसको कहते हैं भृत्य वश्यता। भृत्य मतलब सेवक, दास, भगवान के भक्त, और वश्यता मतलब भगवान का वश होना। तो भृत्य वश्यता के गुण ऐसे हैं भगवान की कि भगवान अपने आप को भक्तों के हवाले कर देते हैं, अपने भक्तों के ही वश में आ जाते हैं पूरी तरह से, और भगवान इसे पसंद करते हैं। भगवान भगवान होना इतना पसंद नहीं करते कि जितना वो पसंद करते हैं अपने भक्तों की सेवा करना और भक्तों के वश में आना। इसलिए भगवान आसानी से किसी को प्रेमा भक्ति नहीं देते हैं। किसी को भोग चाहिए, ठीक है, दे देते हैं। किसी को धन चाहिए, दे देते हैं। किसी को ऊंचा पद चाहिए दुनिया में, दे देते हैं। किसी को मुक्ति भी चाहिए, ठीक है, दे देते हैं। परंतु प्रेमा भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेमा भक्ति भगवान के तिजोरी में सबसे मूल्यवान रत्न है। भगवान के पास तो अनेक रत्न है, लेकिन ये सबसे मूल्यवान रत्न है, और बड़े सावधानी से वो देते हैं, क्योंकि जब किसी के पास ये प्रेमा भक्ति आ जाती है तो वो भगवान को भी वश में कर सकता है। इसलिए भगवान बड़े सावधानी से देते हैं। तो माता यशोदा का इतना प्रेम था
कि भगवान स्वयं उनसे डर के भाग रहे हैं। वैसे कितने लोग भगवान को वश में करने का प्रयास करते हैं, अपने योगाभ्यास से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपने धन आदि से, परंतु भगवान नहीं बंधे जाते, भगवान नहीं पकड़े जाते, उनके वश में नहीं आते हैं भगवान, क्योंकि भगवान केवल भक्ति के वश में आ सकते हैं। भक्ति के कारण ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो माता यशोदा ऐसी प्रेमी भक्त थीं और हैं बल्कि, इसलिए माता यशोदा को देखा कि ये वात्सल्य स्नेह इतना तीव्र था कि माता यशोदा ने ये नहीं सोचा कि ये भगवान है। न वो इस बात को जानती थी, और यदि जान भी लेती इसकी परवाह भी नहीं करती। उनके मन में एक ही भावना बहुत तीव्र थी, और वो ये थी कि ये मेरा बच्चा है। बस यही एक भावना उनके मन में थी, और इसलिए वात्सल्य स्नेह माता यशोदा का अति तीव्र था। तो इसे योग माया कहते हैं। जब प्रेम इतना शुद्ध और इतना तीव्र, इतना उत्कृष्ट श्रेणी का हो जाता है, तो भक्त ये भी भूल जाता है, वृंदावन में विशेष करके, कि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूं या कर रही हूं। अपने अपने संबंध के अनुसार, अपने भाव और रस के अनुसार, वो श्री कृष्ण को अपना पुत्र, अपना मित्र आदि समझते हैं, और ऐसे भावना से श्री कृष्ण जीते जाते हैं। जब कोई भक्त श्री कृष्ण को भगवान समझता है, तो ऐसे ऐश्वर्य भावना से वो प्रेम शिथिल या कमजोर हो जाता है। इसलिए वृंदावन का प्रेम इतना विशेष माना जाता है। कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं देखा जाता कि भगवान अपने भक्त के डर से इस तरह से भागे जा रहे हैं। और किनसे भागे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के पीछे भाग रहे थे। वो कोई बड़े योद्धा नहीं थे, बड़े कोई क्षत्रिय नहीं थे, वो तो एक साधारण महिला थी गांव की। और क्या अस्त्र शस्त्र थे उनके हाथ में? एक छड़ी थी। तो ऐसे माता यशोदा के डर से श्री कृष्ण भागे जा रहे थे। कुंती महारानी भी जब श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, तो इस दृश्य को याद करती हैं कि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कैसे आप परम सत्य होने के बाद भी माता यशोदा के डर से आप भागे जा रहे हैं। दामोदर अष्टकम प्रार्थना में भी हम इसी लीला का वर्णन सुनते हैं, और सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर ढंग से इस लीला का उल्लेख अपने शब्दों में करते हैं। वैसे हर एक श्लोक का विस्तार में वर्णन करने के लिए अब समय नहीं है, नहीं तो सनातन गोस्वामी पाद ने हरि भक्ति विलास में काफी लंबी व्याख्या हर एक श्लोक के बारे में, इन अष्टक में 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों के बारे में काफी विस्तार में उन्होंने व्याख्या की है। परंतु सत्यव्रत मुनि भी बड़े आश्चर्य से, बड़े प्रेम से ऐसी धारणा करते, विचार करते हैं कि कैसे माता यशोदा के डर से श्री कृष्ण कांप रहे थे, और वो उतर के उखल से कैसे भागने लगे। जब भाग रहे तो माता यशोदा भी पीछे पीछे भाग रही थी, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि फिर आसानी से माता यशोदा पकड़ पाई श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो बहुत छोटे बच्चे थे, इतनी तेजी से तो नहीं भाग सकते थे, क्योंकि नर लीला कर रहे थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ लिया, तो श्री कृष्ण ने माता यशोदा की ओर देखा, और जब माता यशोदा ने कृष्ण की आंखें देखी तो आंखों में आंसू थे। तो माता यशोदा ने सोचा कि कृष्ण बहुत डर गया है, तो छड़ी तुरंत रख दी नीचे, ताकि श्री कृष्ण और रोए नहीं। माता यशोदा के हृदय में करुणा की भावना आ गई, लेकिन अभी श्री कृष्ण बड़े डर से क्या करने लगे, अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को
रगड़ने लगे डर के मारे और आंखों में से आंसू निकल रहे थे और जो काजल लगाया हुआ था वो सारे मुंह में फैल गया। उनका मुखारविंद और भी सुंदर हो गया काजल के कारण, जो बिखर गया काजल। तो ऐसे दृश्य को भी सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं। तो भगवान की लीला या कोई साधारण बातें नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके ऊपर ध्यान करते हैं। एक छोटी सी बात लेकर उसमें लंबे समय तक ध्यान करते हैं, लंबी व्याख्या देते हैं, अनेक स्तोत्र आदि की रचना करते हैं, हर छोटे छोटे कार्य के ऊपर। तो माता यशोदा ने सोचा कि अभी कृष्ण डर गया है तो ठीक है, मैं छड़ी नीचे फेंक दूं ताकि कृष्ण डरे नहीं। और फिर माता यशोदा सोचने लगी कि श्री कृष्ण को दंड तो नहीं दूंगी, ठीक है इतना डर गया मुझसे, अब यही ठीक है, यही दंड मिल गया उसे, अब रो रहा है डर के मारे। परंतु यदि ये बहुत डरा हुआ है, यदि मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो डर के मारे कहीं वो भाग तो नहीं जाए, और मेरे तो इतने सारे काम पड़े हैं, थोड़ी मैं दिन भर कृष्ण के पीछे रहूंगी, अभी दूध है और कुछ करना है, बहुत सारे काम है घर में। तो यूं ही मैंने कृष्ण को छोड़ दिया तो भयभीत अवस्था में कहीं वो इधर उधर भाग जाए, फिर और मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा ठीक है, तो मैं श्री कृष्ण को अभी उखल से बांध देती हूं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से इसलिए नहीं बांधा कि वो दंड देना चाहती थी, उन्होंने इसलिए बांध दिया ताकि डर के मारे श्री कृष्ण कहीं भाग न जाए, और एक बार कहीं भाग जाए तो माता यशोदा को डर था कि कहीं अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाए, और वैसे भी पूतना आ गई थी, तृणावर्त आए थे, शकटासुर भी आया था, अब ये तीन असुरों की हत्या श्री कृष्ण ने की थी, तो माता यशोदा पहले से ही डरी हुई थी कि श्री कृष्ण अकेले कहीं जाएंगे तो कहीं कुछ नुकसान न हो जाए। तो उखल से बांधने के लिए उन्हें एक रस्सी लाई, जब रस्सी से बांधना चाहा तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा थोड़ी शरारत करें, थोड़ी मस्ती कर लें, और वो सब हम सबको सिखाना चाहते थे कि उनको बांधना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने रस्सी ले ली और जब श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। फिर माता यशोदा ने घर से और थोड़ी रस्सी मंगवाई और उस पहले वाली रस्सी को जोड़ दिया और फिर से श्री कृष्ण को बांधना चाहा, फिर भी देखिए अहो आश्चर्यम, वो रस्सी दो उंगली कम फिर से पड़ गई। और माता यशोदा ने सोचा बड़ा आश्चर्य है, ये क्या हो गया, और रस्सी मंगवाई, और जितने भी रस्सियां माता यशोदा मंगाती गई और बांधती गई जोड़ती गई दूसरे रस्सियों से, वो दो उंगली कम ही पड़ने लगी। तो बाकी गोपी अब तक इकट्ठी हो गई थी, खबर तो फैल गई थी कृष्ण के बारे में, जो भी कुछ छोटी सी घटना होती थी सारे ब्रज में बात जल्दी से फैल जाती थी और सब लोग आ जाते थे। तो गोपियां भी आके खड़े हो गए, मजा देख रही थी, सब हंस रही थी, माता यशोदा पसीने पसीने हो गई थी, हंस भी रही थी साथ साथ में, उनको भी मन में समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। फिर अंत में जब भगवान के थकान, अब माता यशोदा के थकान को देखा और उनके परिश्रम को देखा तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, अब मैं माता यशोदा से बंधने के लिए तैयार हूं। फिर अचानक कृष्ण बंध गए तो माता यशोदा को पता नहीं चला कि अब तक इतनी में कोशिश कर रही थी, रस्सी कम बढ़ रहा था, अब आसानी से बंध गए। तो प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि बड़े बड़े योगी इतना प्रयास करते हैं परंतु श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन माता यशोदा केवल अपने बड़े ही निर्मल प्रेम से श्री कृष्ण को बांध सकी। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को रस्सी से नहीं बांध पाए, वो अपने प्रेम से बांध सकी, क्योंकि साधारण रस्सी ये क्या चीज है जो श्री कृष्ण को बांधे, ये संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा के
सौभाग्य का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्य अंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वो कहते हैं न न न तीन बार कहते हैं, ले भिरे गोपी, गोपी मतलब यशोदा, ले भिरे मतलब प्राप्त हुआ। तो माता यशोदा को वो चीज प्राप्त हुआ जो कि न विरिंचो, विरिंचो है मतलब ब्रह्मा जी, न भव मतलब शिव जी, न श्री, श्री मतलब लक्ष्मी देवी जो कि अंग संशया, जो श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हैं भगवान की, विष्णु की, जो लाभ, जो श्रेय, जो सौभाग्य ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी को प्राप्त नहीं हुआ, जो कृपा प्रसादम ले भिरे गोपी, वो माता यशोदा को प्राप्त हो गया। और वो क्या विशेष सौभाग्य था माता यशोदा का, क्या प्राप्त हुआ था माता यशोदा को, यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। विमुक्तिदात कृष्ण का नाम है जो विमुक्ति प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये विमुक्ति, ये किस तरह की विमुक्ति है, किस तरह की मुक्ति है ये विमुक्ति। फिर वो बताते हैं कि तरह तरह की मुक्ति हैं, जैसे सारूप्य मुक्ति कि भगवान के समान एक रूप स्वीकार करना उनके धाम में, सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में जाके उनके पास में रहना, सामीप्य मुक्ति बिल्कुल उनके निकट में रहना, सानिध्य को प्राप्त करना, सारष्टि उनकी तरह ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सायुज्य उनके निराकार ब्रह्म में जाके लीन होना, ऐसे पांच तरह के मुक्तियां बताई गई हैं। लेकिन माता यशोदा को श्री कृष्ण ने ये विमुक्ति प्रदान कर दी, तो ये किस तरह की मुक्ति है, इन पांचों में से है कि कैसे है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये विमुक्ति है कृष्ण प्रेम, जो उस समय प्राप्त होता है जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्त अवस्था को प्राप्त होने के बाद ही ये प्रेम भक्ति मिल सकती है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम यभते लभते पराम। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जब कोई मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब पराभक्ति या प्रेमा भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो माता यशोदा का ये सौभाग्य था कि उनके हृदय में वो मीठा मधुर दिव्य उत्कृष्ट प्रेम था जो कि ब्रह्मा जी शिव जी की बात तो दूर है, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी के पास भी नहीं था। इस श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेम माता यशोदा को प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण की कृपा से। तो इस लीला से हम देख सकते हैं कि माता यशोदा कितनी महान है। कौन है जो भगवान की माता बन सकती हैं या भगवान के पिता बन सकते हैं? भगवान ही तो सभी के मां हैं, पिता हैं, माता हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को भगवान अपना माता बनाते हैं तो वो व्यक्ति तो साधारण नहीं हो सकती। फिर माता यशोदा अपने घर के कार्यों को संभालने के लिए चली गई और उधर श्री कृष्ण इधर उधर देख रहे थे, गोपियां भी हंस के इधर उधर चली गई। तो उस समय श्री कृष्ण ने इन दो अर्जुन वृक्षों को देखा। अर्जुन वृक्षों का नाम तो आपने सुना होगा, वैसे हृदय रोग के लिए ये अर्जुन वृक्ष की छाल जो है बहुत लाभदायक मानी जाती है। तो खैर उन्होंने देखा कि हाँ ये दो अर्जुन वृक्ष कौन हैं? ये तो नल कुवर और मणिग्रीव हैं, जो कुवेर के पुत्र हैं, और इन्होंने महर्षि नारद देव के प्रति कोई अपराध किया। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने स्मरण किया कि जब नारद जी स्वर्गलोक से गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने नल कुवर और मणिग्रीव को नग्न अवस्था में देखा और वो उन्मत्त अवस्था में थे। नारद जी को देख के न उनको शर्म आई
और न ठीक से उन्होंने कुछ सम्मान किया, तो नारद जी के मन में कृपा उत्पन्न हुई इनके प्रति। संतों के महान भक्तों की कृपा जो है अलग अलग रूपों में व्यक्त हो सकती है। कभी वो कृपा बाह्य प्रेम के रूप में प्रकट होती है, कभी कोई वरदान के रूप में प्रकट होती है, कभी एक शाप के रूप में भी प्रकट होती है, क्रोध के रूप में भी प्रकट होती है। नारद मुनि जैसे भक्त किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और न करते हैं। यदि वो क्रोध से कुछ कह देते हैं, यहां तक कि वो शाप भी दे देते हैं किसी को, तो ये भी एक वरदान ही मानना चाहिए, वो उस व्यक्ति के भलाई के लिए ही होगा। तो नारद मुनि ने उनको शाप दे दिया कि तुम नग्न अवस्था में रहना चाहते हो तो जाओ एक वृक्ष बनो, क्योंकि वृक्ष के पास कोई कपड़े नहीं होते हैं ना, कोई जो पेड़ होते हैं वो तो कपड़े पहनते नहीं है, तो ठीक है तुम भी वृक्ष बन जाओ। जब उन्होंने क्षमा याचना की तो श्री कृष्ण ने कहा और नारद जी ने कहा कि द्वापर में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे वृंदावन में तो स्वयं वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो फिर जब श्री कृष्ण 100 दिव्य वर्ष बाद, इस घटना के बाद अब यहां उखल से बंधे थे, नारद मुनि के श्राप देने के बाद 100 दिव्य स्वर्गलोक के वर्ष बीते हुए थे, तो उन्होंने इन दो वृक्षों को देखा और सोचा मुझे इन दो नवयुवकों से क्या लेना देना, ये अपने स्वर्गीय भोग में मग्न थे, परंतु मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि के वचन को मुझे संभाल के रखना चाहिए, उनका मान करना चाहिए, उनके वचन को बनाए रखना चाहिए, इसलिए इन दोनों का उद्धार मुझे करना चाहिए जो कि इन वृक्षों के रूप में यहां पे खड़े हैं। फिर ऐसा सोचते सोचते वो अपने पैरों में और घुटनों में चलने लगे, क्योंकि पीछे उखल थी, उखल तो बहुत भारी था, परंतु श्री कृष्ण के लिए एक उखल क्या, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को वो आसानी से संभाल रहे हैं तो एक उखल क्या चीज है। तो उसको घसीटते घसीटते ले गए, अपने घुटनों में चल रहे थे, घुटनों पे और पैरों पे। तो ये सुंदर दृश्य ऐसा था कि देवलोक के निवासी भी देखना चाहते हैं, और कोई किसी पृथ्वी लोक के ऊपर रहने वाले व्यक्ति का सौभाग्य हो कि श्री कृष्ण की ऐसी लीला देखे तो उसका जीवन तो सफल हो जाएगा। इसलिए रघुपति उपाध्याय नाम के भक्त हैं चैतन्य चरितामृत में, वो चैतन्य महाप्रभु को अपनी एक रचना सुनाते हैं, एक श्लोक, जिसमें वो कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतेम अन्ये भजन्तु भवभीताः अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो श्रुति शास्त्रों की उपासना करते हैं जैसे उपनिषद आदि, कोई स्मृति शास्त्रों की उपासना करते हैं जैसे पुराण आदि, कोई ऐसे हैं जो महाभारत आदि ग्रंथों की उपासना करते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? भवभीताः, क्योंकि इस भवसागर से डरते हैं, इस भवसागर के दुख से दूर रहने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए वो इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। परंतु जहां तक मेरा सवाल है, रघुपति उपाध्याय कहते हैं मैं तो नंद महाराज की उपासना करता हूं, जिनके आंगन में परब्रह्म श्री कृष्ण अपने घुटनों पे पैरों पे चल रहे हैं, तो नंद महाराज की वो पूजा करते हैं, क्योंकि नंद महाराज ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि वो भगवान के पिता बने और उनके आंगन में परम ब्रह्म भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण उखल को खींचते उन दो वृक्षों के बीच में ले आए और थोड़ा सा खींच दिया और दोनों बड़े बड़े वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, और उन वृक्षों में से अचानक ये दो तेजस्वी प्रकाशमान व्यक्ति अपने स्वर्गीय शरीर में प्रकट हो गए, करबद्ध रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुए और स्तुति करने लगे श्री कृष्ण के, और कहने लगे कि आप ही परम सत्य हैं और आप बड़े कृपालु हैं, आपने हमें मुक्त कर दिया,
और इस समय हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे वचनों से केवल हम आपके बारे में ही गुणगान करें, हमारे कानों से केवल आपके बारे में सुने, हमारी इंद्रियों से केवल आपकी ही सेवा करें, केवल आपकी भक्ति हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये परिवर्तन हो गया, देखिए, नारद मुनि की कृपा से और अब श्री कृष्ण की कृपा से। तो नलकूवर और मणिग्रीव ने क्या मांगा? केवल भक्ति मांगी। और श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि नारद मुनि, जैसे संत का दर्शन आपने किया और ऐसे संत कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनको देखने मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, तो उनके कारण अभी आपके हृदय में ये शुद्ध भक्ति जागृत हो गई है, अभी आप अपने धाम लौट के चले जाओ। फिर नमस्कार करके नलकूवर और मणिग्रीव अपने कुबेर लोक में वापस चले गए। उनको तुरंत जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन मुक्ति से भी एक सर्वश्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ वरदान मिला। वो क्या था? प्रेम भक्ति। इसलिए यहां सत्यव्रत मुनि अपने श्लोक में कहते हैं, कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, कुबेर आत्मजो, कुबेर के आत्मज, उनके दो पुत्र मूर्त्यैव यद्वत्, वो बद्ध मूर्ति थे, वृक्ष के रूप में थे, उनका उद्धार आपने कर दिया, त्वया मोचितौ, उनको मुक्त कर दिया उस बद्ध अवस्था से, और क्या दिया आपने उनको? प्रेम भक्ति प्रदान दिया। और उसी प्रकार से मुझे भी आप प्रेम भक्ति दीजिए। न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरेह। तो हे दामोदर, मुझे भी केवल प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। न मोक्ष ग्रहोस में। तो ऐसे सत्यव्रत मुनि मांगते हैं श्री कृष्ण से। उनके पद चिन्हों में चल के हमें भी श्री कृष्ण से केवल यही मांगना चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं मांगना चाहिए। बाकी जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो श्री कृष्ण हमें प्रदान करेंगे। और हम प्रश्न यदि करें कि यदि भगवान ने हमें कुछ वांछित फल नहीं दिया तो इसका मतलब है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने यदि हमें नहीं दिया तो फिर हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। हमें किस चीज की जरूरत है? केवल कृष्ण प्रेम की। तो कृष्ण से केवल यही एक चीज मांगनी चाहिए और किसी चीज को मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने कुबेर के दो पुत्रों को, जो कि ऐसे कार्य में लगे हुए थे और शपित हुए नारद मुनि के द्वारा, ऐसे दो लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो क्या जो भक्त हृदय पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और हृदय से भगवान को कृष्ण प्रेम के लिए याचना करते हैं, क्या कृष्ण उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो इस दामोदर अष्टकम प्रार्थना को गाते गाते जैसे सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। उधर नलकूवर मणिग्रीव तो चले गए, लेकिन दो पेड़ों के गिरने के भीषण आवाज से सारे गोपगण भयभीत होकर भागा। क्या हो गया? अब कहीं आसमान टूट गया कि क्या हो गया? और आए तो देखा कि दो बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं और श्री कृष्ण उखल से बंध के नीचे दो वृक्षों के ठीक बीच में हैं और एक बाल बका नहीं है श्री कृष्ण का। सोचे कि कैसे हो गया ये दो वृक्ष गिर पड़े और श्री कृष्ण को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो फिर सोचने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ ये? फिर थोड़े बच्चे वहां पर थे, बच्चों ने कहा, हमने देखा श्री कृष्ण ने उखल को खींच दिया और ये उखल दो पेड़ों के बीच में अटक गया। श्री कृष्ण ने झटका मार दिया और दोनों पेड़ गिर गए और इन दोनों पेड़ों में से दो बड़े तेजस्वी व्यक्ति निकल आए, श्री कृष्ण को नमस्कार किया, प्रार्थना की और चले गए। अब भला कौन ऐसे विश्वास कर सकता है?
आपके घर के आंगन में कोई पेड़ गिर गया हो और कोई बच्चा वहां खड़ा हो, दो बच्चे हैं और एक बच्चा कहे इसने गिरा दिया, और इस पेड़ के अंदर से दो तेजस्वी व्यक्ति आए और प्रार्थना की, तो आप तो हंसेंगे कि बच्चों की बड़बड़ाहट है ये। तो बड़ों ने सोचा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसे। फिर दूसरों ने कहा नहीं नहीं नामकरण के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ये कृष्ण, इसकी शक्ति नारायण के समान होगी, तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे चर्चा होने लगी ब्रजवासियों के बीच में। आखिर उन्होंने चर्चा करना छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आते हैं, कृष्ण बच गए, चलो ठीक है चलो। फिर नंद महाराज ने रस्सी खोल दी और फिर माता यशोदा भी आई वहां, और श्री कृष्ण के बारे में चर्चा ब्रजवासी और करने लगे। देखो कितना आश्चर्य है, एक के बाद एक ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही हैं और श्री कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लीला श्री कृष्ण वृंदावन में किया करते थे, और इस महीने में विशेष करके उन्होंने ये लीला की। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हमें दामोदर अष्टकम रोज कार्तिक महीने में गाना चाहिए। श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। तो वृंदावन की ही एक प्रार्थना आज फिर से गाते हैं, जो हम पिछले 3-4 दिनों से गाते आए हैं, गोपी गीत। ये भी एक सुंदर स्तुति है, प्रार्थना है गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति। गोपियों चहो जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृशताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशोक दासिका वरदनेघ्नतो नेह किं वदः Yeah.
जलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वृषमयात्मजान् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षिता मोहः न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिनाम् अन्तरात्मद्रे विखनसार्थितो विश्वगुप्तये देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् विष्मिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहा कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषिताम् निजजनस्मय वंसनस्मिता
सखे भव किं करिष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् प्रणिपणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्धिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करिमा वीरमोहयति अधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये जना
रहसितां प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरणं चते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो याहृदि स्पृश उह कनो मन क्षोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणां कुरे सीदति तिनः कलिलता मनः पान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुं तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलं दर्शयन्मोहो मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि
चरण पंकज शन्तमं चते रमणनाहस्तनेष वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणामृणा इतरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलां श्रीमुखम् चते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृतृशाम् पतिसुतान्वयम् भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्त्यजेन्निषि
रहसि सांवितं हृच्छयोदयम्। रहसि ताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते स्पृहा मोह्यते मनः व्रजवनौकसां व्याप्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना स्वस्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणां पुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कर्मशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि
गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः हरे कृष्ण हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare गोपी गीत की जय श्री दामोदराष्टकम की जय श्री कार्तिक मास की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।